क्वेश्चन लिखेगा कोलिजन क्या है इसका हिंदी बेटा सब किताब में अलग अलग दिया है इंग्लिश क्या मिलेगा हिंदी अलग अलग मिलेगा अगर किसी किताब में दिया रहेगा टक्कर इसका मतलब ये शुद्ध हिंदी हो गया अगर किसी किताब में मिलेगा संघात इसका मतलब ये संस्कृत हो गया संघात ठीक है और किसी किताब में मिलेगा संघट संघट तो ये भी समझेगा संस्कृत शब्द ही है लेकिन पर्यावची है समझ में आया इंग्लिश के है कोलिजियन ठीक है तो क्वेश्चन लिखेगा देख बेटा जो आज जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं ये पूरे फिजिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक है एलेवेंथ के क्लास का ट्वेल्व का नहीं इलेवंथ में ये बेटा इतना बड़ा है कि कभी कभी इसको दो दिन में कंप्लीट होता है बहुत बड़ा टॉपिक है ये इसका ये और ये भी बता दें कि इसमें खाली कैलकुलेशन है मथापेची है लेकिन ध्यान से सावधानी से अगर सुनिएगा देखिएगा तो मथापेची नहीं होगा और थोड़ा सा भी बीच में केयरलेस कीजिएगा केयरलेस इन सेंस कि गप गव, शप करना ताक झाँक करना इधर उधर हुलूक वुलूक बानर तरह करना ये परेशानी हो जाएगा बीच में बा हाफी करना ठीक है तो भी परेशानी हो जाएगा हाफी का मतलब होता है नींद आना रात भर डीजे तो नहीं भर नींद नहीं आता होगा ठीक है चलिए क्वेश्चन लिखिएगा किसी को कुछ पीछे बैठो कुछ इधर बैठो कुछ वहां बैठो कुछ आगे बैठने एक आगे बैठना है हाँ क्वेश्चन लिखिएगा इसको इधर करो थोड़ा सा हो जाएगा क्वेश्चन लिखिएगा कोलिजन क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें कोलिजन क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें कोलिजन क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें एवं इसके प्रकार को लिखें अब सुन ध्यान से परिभाषा प्लस समझिए तब लिखे समझिएगा पहले कोलिजन होता है क्या इसके बारे में जान लीजिए कोलिजन वह प्रक्रिया है प्रक्रिया मतलब प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट या कण एक दूसरे से टकराकर अपने गति का मार्ग बदल लेते हैं फिर सुन कोलिजन वह प्रक्रिया है मोबाइल बैठा किसी का देखिए किसका बज रहा है हो पते नहीं हमको भी लगा ये तीसरा आवाज कहां से आ रहा है हम नहीं तीसरा कौन नहीं फिल्म आई थी पति पत्नी और वो वो कौन है ये बोलने लगा टीचर स्टूडेंट और तीसरा कौन है ठीक है पता चला मोबाइल है तीसरा सुनिए कोलिजियन वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट या कण पार्टिकल एक दूसरे से टकराकर कर क्रिया के कारण अपने गति का मार्ग बदल आणविक क्रिया क्या एक दूसरे से इंटेंसिव मान लीजिए ये बॉल दोनों टकराया एक दूसरे से प्रक्रिया हुआ ना जी प्रोसेस हुआ ना बोल गया तो टक्कर बेटा तीन प्रकार का होता है एक मेला में जाते हैं भीड़ में टकराना वो भी एक टक्कर है बाइक से ट्रक से साइकिल से टकराना वो भी एक टक्कर है कोई गाड़ी ट्रक गति में है तुम एगो ईटा मारा ट्रक में तो ट्रक बालू में धस गया ट्रक ने ईंटा बालू में धसा ईंटा ट्रक के बालू में धस गया और वो ट्रक की गति के साथ गति करने लगा ये भी एक टक्कर है पार्टिकल अणु आपस में टकराते हैं ये भी एक टक्कर है तो तीन प्रकार का टक्कर है इलास्टिक कोलिजियन इन इलास्टिक कोलिजियन अ परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजियन प्रत्यास्थ टक्कर और प्रत्यास्थ टक्कर अपूर्णता और प्रत्यास्थ टक्कर, तीन प्रकार का होता है ठीक है उसके बारे में समझाएंगे पहले परिभाषा लिखा दे रहे देखिए देखिए कोलिजियन वह प्रक्रिया है कोलिजियन वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट जिसमें दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट या कन या कन कोमा एक दूसरे से टकराकर कर एक दूसरे से टकराकर अथवा पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के कारण अथवा पारस्परिक परस्पर से बना हुआ पारस्परिक लिख दें क्या अथवा पारस्परिक अन्योन क्रिया के कारण अथवा पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के कारण अपने गति का मार्ग बदल लेते हैं अपने गति का मार्ग बदल लेते हैं लाइन चेंज करके लिखेगा कोलिजन तीन प्रकार का होता है लाइन चेंज करके लिखेगा क्रिया के कारण अपने गति का मार्ग बदल लेते हैं लाइन चेंज करके लिखेगा कोलिजियन तीन प्रकार का होता है देख तीनों बता रहे हैं पहले समझा देंगे तब लिखाएंगे ठीक है खाली लिखाने से बेटा कोई फायदा नहीं होगा ऐसे समझा देंगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और अभी तुरंत याद हो जाएगा कौन कौन प्रकार का होता है पहले जान लीजिए पहला नंबर है इलास्टिक कोलिजियन इसका हिंदी होता है बातचीत नए प्रत्यास्त संघट दूसरा हो गया इन इलास्टिक कोलिजियन इसका हिंदी हो जाएगा और प्रत्यास्त संघट, और तीसरा है बेटा परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन हिंदी हो जाएगा पूर्णतः प्रत्यास्थ घट याद रहेगा सबको कोलिजन कितने प्रकार का पहला कौन दूसरा तीसरा अब सुनिएगा इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि अनुओं का टकराना अनु टकराता ना आपस में वो इन वो इलास्टिक कोलिजन हो गया हम लोग अपने दैनिक जीवन में टकराते हैं टकराते हैं ना वो इन इलास्टिक कोलिजन हो गया टक्कर होता है ना चाहे मेला में टक्कर हो या साइकिल से टक्कर हो या किसी प्रकार का धक्का हो बस में ये क्या हो गया कि जब टकराने के बाद वो ऑब्जेक्ट पहले वाले के साथ गति करने लगता है जैसे ट्रक गति में है उस पर बालू लदा हुआ है तुम पत्थर मारा बालू में पत्थर धसा धंसने के बाद पत्थर स्थिर हो जाएगा ना बालू में अब उसकी गति क्या हो जाएगी ट्रक के साथ गति होगी जो ट्रक वही ना जब ट्रक गति में जितना स्पीड से है पत्थरों का स्पीड वही ना होगा कि ज्यादा कम होगा वही होगा या ऐसे समझिए ट्रक में बालू या कुछ लकड़ी भरा हुआ है लकड़ी है और ट्रक गति में है तुम गोली बंदूक से फायर किया तो गोली क्या होगा लकड़ी में धस गया पहले गोली का अधिक वेग था लकड़ी में धसा धसने के बाद वो किसके साथ गति करेगा ट्रक के साथ गति करेगा? करेगा ना नहीं समझ में आ रहा है नहीं समझ में आया इसको समझ में आ रहा है पहले वो अपने वेग से था गोली लेकिन जब लकड़ी में धस गया तो किसके वेग से जाएगा वो ट्रक के वेग से चलेगा ये क्या हो जाएगा बेटा परफेक्ट इन इलास्टिक याद हो तो लो कोई दिक्कत किसी को क्लियर रोक लो ना कोई टेंशन है ना दिमाग में सेट हुआ तीनों का एग्जांपल समझ में आ गया अनुओं का टकराना कौन है मनुष्य के दैनिक जीवन में टकराना गतिशील ट्रक में लकड़ी पर अगर गोली से फायर करते हैं वो ट्रक के अनुसार गति करने लगा कौन सा कोलीजियन? आ परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। याद हुआ कोई दिक्कत किसी को लिख लीजिएगा फटाफट चलिए जल्दी फटाफट उतार। तीनों <laughs> लिख पहला नंबर इलास्टिक कोलिजन लिखे डेज दीजिएगा देखिए यहां पर एक वर्ड बोलेंगे निकाय आप लोग नाम सुने होंगे निकाय का इसका इंग्लिश होता है सिस्टम सुनिए निकाय होता क्या इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा जैसे कि कंप्यूटर है इसमें एक पूरा सिस्टम है मॉनिटर है माउस है कीबोर्ड है सीपीयू है यूपीएस है ये सब मिला के एक सिस्टम हुआ इसको पूरे बोलते हैं निकाय जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है तो टकरा सिस्टम हुआ ना जी उसको क्या बोलेंगे निकाय समझ में आए कि नहीं है? जैसे क्लासरूम है टीचर है स्टूडेंट है बेंच है डेक्स है सारी फैसिलिटी है क्या एक सिस्टम हो गया तो परफेक्ट सॉरी इलास्टिक कोलिजन का परिभाषा होता है वह कोलिजन जिसमें संवेग एवं गतिज ऊर्जा वह कोलिजन जिसमें सिस्टम का संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है इलास्टिक कोलिजन कहलाता है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अणुओं का आपस में टकराना अणु जो आपस में टकराता है संवेग आप क्या है आपको बताए हैं गतिज ऊर्जा क्या है यह भी पढ़ाए हैं संभे का मतलब हो गया मास और वेलोसिटी मास भी है वेलोसिटी भी है और गतिज ऊर्जा हो गया कि मास भी है वेलोसिटी भी है लेकिन वो गतिशील है मोशन में है बस में उसमें वेलोसिटी क्या है स्क्वायर में है नहीं गतिज का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम भी स्क्वायर अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू कोई दिक्कत किसी को फिर सुन परिभाषा वह कोलिजियन जिसमें सिस्टम का संवेग एवं गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है इलास्टिक कोलिजन कहलाता है क्या इसमें कौन कौन चीज संरक्षित रहेगा संवेग और लिखिए वह कोलिजन जिसमें लिखिए वह कोलिजियन जिसमें सिस्टम का सिस्टम बोले तो निकाय वह कोलिजियन जिसमें सिस्टम का संवेग एवं गतिज ऊर्जा सिस्टम का संवेग एवं गतिज ऊर्जा सात भरा गतिज गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है दोनों संरक्षित रहता है कोमा इलास्टिक कोलिजन कहलाता है इलास्टिक कोलिजन कहलाता है एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा अणुओं का आपस में टकराना दूसरा नंबर लिखेगा संरक्षित ऊर्जा का किसी को संरक्षण सिद्धांत आपको पढ़ाए हैं बदलता नहीं है रूप बदल जाएगा लेकिन यहां पर कुछ नहीं बदलेगा ना रूप बदलेगा संरक्षित मतलब बदलेगा नहीं जितना वेग है वही रहेगा जितना मोमेंटम है वही रहेगा ऐसे क्या होता है जैसे तुम किसी से टकराते हो या एक बॉल ऐसे समझिएगा जैसे एक बॉल यहां पर है एक बॉल ये है ये इससे कब टकराएगा जब इसका वेग ज्यादा होगा नहीं समझ में आ रहा है चोर भाग रहा है अस्सी की स्पीड से अब पुलिस पकड़ रहा है साठ की स्पीड से कब पकड़ लेगा आ? ये चोर जो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नया गाड़ी तो उसको बाप को तो है नहीं चुरा के भाग रहा है वो उसको टेंशन है नहीं भाग रहा है अब बिहार पुलिस की आप भी करते हैं कितना गाड़ी दीजिएगा तो लास्ट में दो साल के बाद धक्के मार के स्टार्ट करेगा वो वो चालीस की स्पीड से उसका पीछा कर रहा है कहीं पकड़ पाएगा इसको इसको पकड़ने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए यह अगर 80 है तो इसका कम से कम इक्सी होना चाहिए तब ना अगर दोनों का 80 वह तो पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा इसका कम से कम इक्यासी होना चाहिए उसी प्रकार का है कि यह बॉल इसे तब टकराएगा जब इसका वेग जो है इसका वेग ज्यादा होगा इसका वेग क्या होगा कम होगा तब इसको टक्कर मारेगा अब तुम ऐसे कभी ध्यान दिया है कोई साइकिल वाला गया आपका दोस्त जा रहा है आप पीछे से आप उसका कैरियर को ऐसे धक्का मारते हो मारते हो ना पकड़ के तो देखिएगा उस साइकिल का स्पीड बढ़ जाएगा और आपके साइकिल का स्पीड क्या होता है घट जाता है पास में है यहाँ पर क्या है कि कोई घट बढ़ नहीं होता तो दोनों समान है ठीक है अब जो अगला होगा उसमें घटेगा बढ़ेगा ठीक है लिखिए दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन अब यो है छठ माह के पर्व के दिन हल्दी का जो दाम है वो जो डंडे लगा हुआ रहता है वो आसमान उस सब का महत्व रहता है वो सब छठ माह को जो है कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो कि एकदम अनिवार्य रूप से चढ़ना ही चढ़ना है उसमें तो उसको बोल दीजिएगा ठीक है भतोड़िया वाले से रिकॉर्डिंग है नाम नहीं लेंगे लेकिन बोल दीजिएगा कि जब तक प्रसाद न हो रहे तो जी ना है उसको भी लगता होगा जो हमारे चलो जो और आजम प्रसाद तबा खाइए एक वो नहीं तो देखिए क्लास बेटा जितने बच्चे अपसेंट कीजिएगा उसका सफ़र होगा बेटा नुकसान तो होगा बाबू ये बात तो तय रख लो अभी नुकसान नहीं हो ट्वेल्व में नुकसान बुझाएगा ट्वेल्व में परेशानी होगा लेकिन बेटा परेशान तो रहिएगा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और जो लगातार क्लास कर रहे हैं कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उसको ट्वेल्व बुझाएगा भी नहीं हल्का से भी नहीं बुझाएगा रियली में जिस जो कि जो बच्चा एलेवंथ में एडजस्ट कर लेता है एलेवंथ बढ़िया से पढ़ लेता है मैं दावे के रिकॉर्डिंग वीडियो है आप रिकॉर्डिंग भी करके अपना पास भी रख लीजिएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस बच्चे को एलेवेंथ में एडजस्ट कर लिया उसको ट्वेल्व में जरा से परेशानी नहीं होगा कारण क्या कि एलेवेंथ में वो सारा चीज झेल लिया सारा बर्दाश्त कर लिया तो ट्वेल्व में खाली क्या होता है सिर्फ आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है बस और कुछ नहीं और रियली में ट्वेल्व एलेवंथ की तरह भारी नहीं है एलेवेंथ भारी होने का कारण है क्योंकि बिहार बोर्ड के मैक्सिमम बच्चे अब भले पढ़ने लगे हैं नाइन्थ क्लास में उतना मेहनत नहीं करता है और नाइन्थ क्लास का बहुत सिलेबस आपके एलेवंथ में है और टेंथ में लोग क्या होता है कि मेहनत करता है वो भी कब जब फॉर्म भरता है तब बिहार बोर्ड के बच्चों को लगता है आबा पढ़ना चाहिए इसके पहले तो कहता दो पास तो करवे करवे रे अब पढ़िए लेबे रेपेटिक पढ़ ही लेकिन जब फॉर्म भराता है तब होगा लगे कि नहीं आबा पढ़ भू तो उसके बाद उस सेंटर एग्जाम होता है फॉर्म भराया तब तो उसके बाद तो पढ़ना शुरू करता है तब तो वहाँ से पहले तो देखिए अभी तो पता नहीं गजब गजब की स्थिति कर दिया है एकदम गजब सब बिल्कुल अस्त व्यस्त पढ़ाई का मजाक बना रहे हैं पहले क्या होता था कि पहले सेंटर पर एग्जाम लेते थे हम लोगों का सेंटर पर एग्जाम में पास कीजिएगा तभी आपका फॉर्म भराएगा नहीं पास कीजिएगा आपका फॉर्म नहीं भराएगा अब क्या है कि पहले फॉर्म भरा देता है पहले फॉर्म भरा लिया बाद में सेंटर एग्जाम लेता है तो लोग महत्व तो कम कर देते हैं अन्यथा क्या था पहले लोग सेंटर पे, पे से मेहनत करना शुरू कर देता अरे भाई सेंटर पे एग्जाम है फॉर्म न भराएगा ये दिमाग पे प्रेशर रहता था स्टूडेंट तो का हम देखिए हो सकता है कि हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं आज उन्होंने ये नियम लेगा वो अपने हिसाब से सोच रहे होंगे सबका अपना अपना सोचने का तरीका है लेकिन मेरा मानना है कि नहीं ये सही था कम से कम प्रेशर तो रहता है ना बच्चे के ऊपर अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर आ जाए अरे बाप पढ़ना है देखिएगा आपको रात में नींद नहीं आएगा है ना जैसे आपको होता है कि देखते होंगे कि ट्रेन पकड़ना है चार बजे दो बजे जग के तैयार हैं और सबको जगह आ रहे आगे उठे नहीं ट्रेन है पकड़वाएं है, है कि नहीं और वही अगर कि नहीं एकदम दिमाग में रहता है और ठीक इसका विपरीत जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा नींद आपको लेगा पूरा मोहल्ला का नींद आप ही के ऊपर आ गया है हाथी घोड़ा तो छोड़ दीजिए पूरा चिड़िया घर बेच के सोइएगा ठीक है आज जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है तो घर में तो बोल आप बोलते हैं कि हमारा नौ बजे पहला नहीं जगह है अब पता चलता है कि तो तु बजे जगह तैयार है उसके बाद नींद अचानक गायब हो जाती है तो टेंशन और प्रेशर में होता है लिखिए जल्दी फटाफट लिखिएगा चलिए लिखिएगा वह कोलिजियन जिसमें सिस्टम का वह कोलिजियन जिसमें सिस्टम का गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है परंतु संवेग संरक्षित रहता है परंतु संवेग संरक्षित रहता है तो इस प्रकार के कोलिजन को तो इस प्रकार के कोलिजन को इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं जन के मिला यहां कोलिजन एग्जाम्पल में लिखिएगा दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में घटित होने वाली अधिकांश घटनाएं दैनिक जीवन में घटित तो होने वाली अधिकांश घटनाएं, घटित <coughs> तो होने वाली अधिकांश घटनाएं अधिकांश घटनाएं <coughs> दैनिक जीवन में घटित होने वाली अधिकांश घटनाएं कोमा इन इलास्टिक कोलिजन है इन इलास्टिक कोलिजन है तीसरा नंबर लिखिएगा परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन लिख लो इसको भी लिखाई देते हैं समझ में आया ना परफेक्ट इलास्टिक को एग्जाम्पल याद है ना कौन एग्जाम्पल गतिशील टकराने के बाद उसी के अनुसार गति करने लगता है लिखिए परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजियन वह कोलिजन जिसमें वह कोलिजन जिसमें वह कोलिजन जिसमें दो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद जिसमें दो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद कोमा एक ही ऑब्जेक्ट के साथ गति करने लगता है एक ही ऑब्जेक्ट के साथ गति करने लगता है एक ही ऑब्जेक्ट के साथ गति करने लगता है तो इस प्रकार के कोलिजियन को परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजियन कहते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं इस प्रकार के कोलिजन को परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं एग्जाम्पल लिख लीजिएगा यदि बंदूक से चली गोली यदि बंदूक से चली गोली किसी लकड़ी के टुकड़े से टकराकर देखिए लकड़ी बोले हैं कुछ लोग लड़की लिख दिए हैं किसी लकड़ी के टुकड़े से टकराकर उसके अंदर धंस जाती है किसी लकड़ी के टुकड़े से टकराकर उसके अंदर धंस जाती है धंसा समझो ना उसके अंदर रह जाना उसके अंदर धंस जाती है तो यह उसके अंदर धंस जाती है तो यह धंस का स्पेलिंग लिख दें। धांस का स्प्रिंग धंसना का स्प्रिंग देखिए कितने बच्चे सही मिला लीजिएगा। उसके अंदर धंस जाती है तो तो यह परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है तो यह परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है तो यह परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है तो ठीक है कोई दिक्कत समझ में लो चल कल पूछबो ठीक है चलिए ठीक